नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद लगातार पुलिस गुंडे बदमाशों की धरपकड़ में लगी है और इसी कड़ी में छतरीपुरा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के सूचीबद्ध गुंडे बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल छतरीपुरा थाना पुलिस को कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि क्षेत्र के कुछ बदमाश अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, जिसके बाद पुलिस ने उनके ठिकानों पर दबिश दी और 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 बदमाश अवैध शराब के धंधे में लिप्त हैं। वहीं 5 बदमाश जुए, सट्टे और मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त थे। सभी आरोपी थाना क्षेत्र के सूचीबद्ध बदमाश हैं और अब पुलिस इन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है, जिससे कि क्षेत्र में शांति का माहौल बना रहे। सर, 10 आरोपी को गिरफ्तार करा है, किस प्रकार का पूरा मामला है सर? लगातार इनके बारे में, ये पुराने अपराधी हैं और लगातार इनके बारे में सूचना मिल रही थी कि ये अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। उस आधार पे आज इनके दबिश दिए पुलिस पार्टी द्वारा। 5 लोग जो हैं अवैध शराब के केस में गिरफ्तार हुए हैं, 2 आरोपी अवैध मादक पदार्थ के केस में गिरफ्तार हुए हैं तथा कुछ आरोपी जुए और सट्टे में गिरफ्तार हुए हैं। सभी के खिलाफ जो भी संबंधित धारा थी उसमें कार्रवाई की गई है। अब इनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ये आदतन अपराधी हैं और इनसे बॉन्ड ओवर वगैरह भी लगातार इनके बारे में सूचना मिल रही थी और इनके कुछ हमारे यहाँ के निगरानी शुदा बदमाश है तथा कुछ गुंडा लिस्ट में शामिल है, तो इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसके बाद हम बाउंड ओवर की कार्रवाई भी करेंगे और इनको 122 के तहत कार्रवाई करके जेल दाखिल करेंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।